तो दोस्तों आज बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी निकल के सामने आई है भारत के स्वदेशी लड़ाके को लेकर, और किस प्रकार से भारत के वैज्ञानिकों ने यह कसम खा ली है कि इसी साल के अंत तक भारत के स्वदेशी लड़ाके को उड़ाकर हम दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि यदि हमें तीव्रगामी गति से दौड़ना है तो सबसे पहले हमको ठोकर खाकर नीचे गिरना होगा, और दोस्तों ऐसा ही भारत के साथ हुआ है। भारत के साथ यदि अमेरिका अपने ड्रोनों को लेकर टाल मटोल नहीं करता और भारत को सीधे सीधे अपने प्रेडेटर ड्रोन को सौंप देता तो भारत आज उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाता जो आज भारत ने कर दिखाया है। और दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के इस मुकाम के पीछे अमेरिका के उस बड़े झटके का बड़ा हाथ है जो कि अमेरिका अभी तक अपने ड्रोनों को लेकर भारत को देता आ रहा है। और भारत भी इस बात को जानता है कि भारत के दुश्मन देश भारत की इस कमजोरी का फायदा कहीं ना कहीं से अवश्य उठाएंगे। पर दोस्तों भारत के साइंटिस्टों ने भी यह कसम खा ली है कि जब तक भारत के भावी साइंटिस्ट भारत के पास हैं तब तक भारत का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दरअसल दोस्तों आज खबर निकल के सामने आई है भारत के स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 को लेकर, और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो यह है कि रुस्तम 2 अक्टूबर 2022 के अंदर अपनी पहली उड़ान करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये और HAL के कुछ डिफेंस अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि अपना जो रुस्तम 2 ड्रोन है वो अक्टूबर 2022 के अंदर अपनी पहली उड़ान भरने को तैयार हो जाएगा, और रुस्तम 2 की जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको जून 2022 के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने HAL ने एक साथ 5 रुस्तम 2 ड्रोन को बनाने का काम शुरू कर दिया है, और HAL के ऊपर पहले से ही कई सारे प्रोजेक्टों का जो लोड है वो और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ADA ने HAL को सलाह दी है कि जो 2 रुस्तम 2 ड्रोन हैं उनका एकीकरण हम कर लेते हैं, बाकी के जो बचे 3 ड्रोन हैं उनको आप बनाकर तैयार कर देना, जिससे कि जो रुस्तम 2 ड्रोन है वो जल्द से जल्द प्रोडक्शन लाइन के अंदर पहुंच जाएगा और फिर HAL ADA से टेक्नोलॉजी को लेकर रुस्तम 2 ड्रोन का निर्माण करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों इससे फायदा यह होगा कि भारत का रुस्तम 2 ड्रोन ना सिर्फ भारतीय सेना को मिलेगा बल्कि हथियार भी इसमें जल्द से जल्द लग पाएंगे। बस अब आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट करके यह बता दो कि क्या अमेरिका के 30 ड्रोन के बदले भारत के स्वदेशी 76 ड्रोन को लेना भारत सरकार का सही फैसला था या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में भी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।